चलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में बेसिकली जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो यार बहुत आसान माना जाता है और समझा भी जाता है, और बहुत कम पढ़ाई करके आप एक अच्छा, लगभग कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है यार ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो आप ग्रेविटेशन को अच्छे से समझो, बहुत आसान है इसको समझना, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन है और सेटेलाइट में पूरा सर्कुलर मोशन आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसान है। चलो तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम लोग का ये कहता है कि एक बॉडी है जो इसका वेट 32 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अर्थ को मैं अभी, जो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशन है, वो अर्थ को होमोजीनियस सॉलिड एस्पियर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो पूरी ग्रेविटेशन इस पर हमें डिराइव किए हम लोग, जो हमारा सिलेबस है। बॉडी वेट 30 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन वेट है, ठीक है। वेट क्या होता है भैया? वेट जिससे अर्थ हमको पुल करती है, ठीक है, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। वेट इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस पे कितना है, mg, दैट इज 72 न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब कॉमन सेंस की बात है, जब मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो जो वेट है वो घटता है। वेट क्यों घटता है? क्योंकि जी की मैग्नीट्यूड घटती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है इन्फिनिटी पर थ्योरेटिकली, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो हाइट है, एच हाइट में ऊपर चला गया, लेकिन एच हाइट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जो एच है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पर वेट बदल गया होगा, डब्ल्यू डैश हो गया होगा। तो वेट को कैसे निकाला जाएगा? डब्ल्यू डैश वहाँ हो गया, दैट इज द एम जी डैश, मास नहीं बदलेगा, ठीक है ना, मास डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश निकाल लोगे तो जी डैश, अब एच हाइट पे जी डैश, जब कभी भी ऊपर जाओगे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो ध्यान देना, ऊपर जाने के लिए दो कंडीशन है, एक तो बहुत ऊपर चले गए भाई, जाते जाते बहुत ऊपर चले गए, और एक है ग्राउंड से अपने छत पर आ गए, ठीक है, जहाँ हाइट बहुत कम है। तो दोनों में जी के वेरिएशन में अलग अलग फार्मूला है, उसको लगाना, ठीक है। अगर एच जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर, आर प्लस एच का स्क्वायर, ये कब लगाओगे? जब कुछ ज्यादा हाइट पे चले जाओगे, वेन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, एच इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब एच हाइट पे जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? जी डैश इज इक्वल टू जी आर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब बहुत पास हो, अर्थ के बहुत पास हो, तो जी की वैल्यू लगाओगे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच ओवर आर, एन माइनस एच ओवर आर, ये तो ये वाला हम 2 एच ओवर आर, तो ये फार्मूला लगाओगे जब अर्थ के बहुत ही पास हो गए। तो ये ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ बताया गया कितनी ऊपर गए? हाँ बताया गया ना, अगर नहीं बताया जाएगा तो मैं यही लगाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये वाला जो है एक स्पेशल केस है इसका, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, ये एक्चुअली इसका बाइनोमियल थ्योरम लगा के अजम्पशन करके आया हुआ, तो ये अप्रोप्रिएट देगा, ये एग्जैक्ट देगा, ठीक है, जब भी लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लगेगा, क्योंकि हाइट बहुत रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, तो वहाँ पर जो वेट है वो मैं लिख सकता हूँ, वेट डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वो आ जाएगा एम जी डैश, और जी डैश की वैल्यू डाल दो, जी डैश की वैल्यू जी, और ये आ जाएगा आर, आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एच का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि एम जी इज द वेट ऑन द अर्थ, आर प्लस आर, आर और आर इज इक्वल टू हाइट कितना है, रेडियस के बराबर है, तो आर का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा mg upon 4, ठीक है, mg upon 4, तो mg क्या है, वेट ऑन अर्थ, वेट है ना 72/4, ठीक है, तो 72 इक्वल टू रेडियस ऑफ द
70 न्यूटन अंडर द सर्फेस, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, जो ये हाइट पूछा गया है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाफ ऑफ रेडियस ऑफ है, ठीक है। जो हाइट है दैट इज हाइट इज इक्वल टू आर बाई टू है, ठीक है, ये एच के बराबर नहीं है, आर बाई टू है। तो यहाँ से आर बाई टू है, तो यहाँ पे सिंपली मैं रख दूंगा यहाँ पे आर बाई टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आर बाई टू, तो ये यहाँ से आ जाएगा एक्चुअल वेट एम जी जो कि 72 है, और आर और ए आर और आर आर बाई टू हाइट आर बाई टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा स्क्वायर चढ़ा है 4/9 और ये मल्टीप्लाइड बाई 72, ठीक है ना। तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 72 और 8 × 32 32 न्यूटन, ठीक है, वेट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा ही, ठीक है। तो यह आ जाएगा 32, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको यहाँ से कितनी आसानी से मिल सकता है ना, बहुत इजी। चलो ये देखो, ये 2019 में पूछा गया है, ये भी उसी के जैसे है, ठीक है। अब 2020 में आया था, ये उसी के जैसे है। वेट 200 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर वेट कितना है? अगर एक अर्थ है, होमोजीनियस स्पीयर है, तो इसके सरफेस पर वेट जो है वो 200 न्यूटन है, मतलब एम जी 200 न्यूटन दिया हुआ है सरफेस। अब हमको अंदर जाना, अर्थ के नीचे जाना, हाउ मच वेट हाफ ऑफ द डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और कितना नीचे गया, हाफ ऑफ द रेडियस, ये सेंटर हो है, ये रेडियस आर है। अब मैं कितना नीचे चला गया, हाफ ऑफ द डाउन द रेडियस, मतलब ये डेप्थ जो है वो आर बाई टू हो गया। तो डेप्थ अगर आर बाई टू हो गया तो वेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वेट है, यहाँ पर जो वेट है वो डब्ल्यू डैश मान लेता हूँ, तो W डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास ऑफ द बॉडी और G डैश, चेंज हो गया होगा G डैश, ठीक है। तो मास M और G ऑब्वियसली कम होता है, ठीक है। तो 200 था, तो 200 तो कभी सही हो ही नहीं सकता, 250 कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है भाई। हमको पता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे वेट की वैल्यू घटती है, और सेंटर पे जाके वेट जीरो हो जाता है, वेटलेसनेस हो जाता है, क्योंकि जी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू डेप्थ में जी का फार्मूला क्या है, जी वन माइनस डी ओवर आर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ऊपर जाने के लिए हम दो फार्मूला यूज करते थे, नीचे जाने के लिए हम एक ही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये जी डैश इज इक्वल टू जी डी माइनस वन, ठीक है। तो एम जी वेट 200 आ गया, और 1 - d डेप्थ कितना भाई, डेप्थ है रेडियस का आधा, ठीक है, और ये रेडियस ने रेडियस को, इसका मतलब ये हुआ कि 100 न्यूटन वेट, ठीक है ना, 100 न्यूटन वेट होगा यहाँ पे हाफ ऑफ द रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि 150 गलत है, सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है वर्क डन टू राइज मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब अगर ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर सी ये है, ओ है, और यहाँ से मैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से एक मास कुछ ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा यार। इसको ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, पुल करेगी, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। जब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इससे पोटेंशियल एनर्जी में वो वही हमारा वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है। तो चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन टू राइज मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट विच इज इक्वल टू, तो वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशन में, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो यहाँ पर अब जो है डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, टेंड इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच और वन प्लस एच अपान आर। एक तो तरीका ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि एक बच्चा है जिसको ये फार्मूला याद है कि अगर अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक मैं ले जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, एम जी एच, और दिस इज द वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा एच हाइट से मैं ले जाऊँगा, ठीक है, तो एक तो बच्चा है जिसको फार्मूला रट के गया हुआ है, और एक बच्चा जिसको ये पता नहीं है, फार्मूला पता नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जिस बच्चे को फार्मूला याद है वो डायरेक्ट लगा देगा एम जी एच इज इक्वल टू वन प्लस, कितने ऊपर लेके गए हो,
रेडियस आर अपन आर, इसका मतलब ये हुआ कि एम जी एच एम जी आर एम जी आर बाई टू, तो एम जी आर बाई टू इसका सोल्यूशन है, एम जी आर बाई टू इसका सोल्यूशन है, सी ऑप्शन सही है। अब एक बच्चा जिसको ये फार्मूला याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेगा एच हाइट पे जो कि, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी एम एम और डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, जी एम एम और ए स्मॉलर, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एच हाइट पे, तो इसकी वैल्यू यूज करती हूँ माइनस जी एम मास ऑफ द अर्थ दैट इज आर प्लस एच, दैट्स इट इज फाइनल पोटेंशियल। जब सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो प्लस जी एम एम ओवर आर, ठीक है। तो जिसको फार्मूला नहीं याद है वो ऐसे करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम कॉमन ले लो यहाँ से, अब जी एम एम और ए एम और आर है टू, आर की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू कितना, कितना ऊपर ले गए वो रेडियस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से टू आर और यहाँ से प्लस आएगा जी एम एम ओवर आर, इसका मतलब ये हुआ कुछ कॉमन आ गया यहाँ से, और जो कॉमन आ गया उसको ले लेते हैं, तो जी एम एम ओवर आर, ठीक है, और ये वन माइनस वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू, और जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एम अपन आर इज इक्वल टू वन बाई टू, पता ना जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, इसका यूज कर लिया मैं, तो एक आर ने एक आर को मतलब एम जी आर बाई टू, ठीक है। तो ये वो बच्चा है जो टाइम बर्बाद करेगा एग्जाम में, ये वो है, ठीक है, और बाद में रोएगा, ठीक है, कि यार टाइम नहीं मिला, टाइम मिला होता तो कुछ और क्वेश्चन कर लिए होते, ओ माय गॉड बहुत बड़ी गलती हो गई, टाइम मैंने कहाँ लगा दिया। तो इट इज़ द गेम ओवर द टाइम सेविंग, एक ऐसा गेम है एग्जाम, ये डिजाइन टू टेस्ट योर पेशेंस, योर इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड वी कितना आप परफॉर्म कर रहे हो प्रेशर में, प्रेशर में आप कितना परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज डिजाइन द पेपर, ठीक है। तो ये जो बच्चा करेगा वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन दोनों के करने में डिफरेंस है, ठीक है। टॉपर जो होता है और जो सबसे लूजर होता है, जिसके कम नंबर आते हैं, जिसके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है यार, उन दोनों के क्वेश्चन करने में डिफरेंस है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। चलो, इलिप्टिकल ऑर्बिट हम सबको पता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट जब होता है तो यहाँ सन इस फोकस पे होता है, ठीक है। चलो, तो सन अगर फोकस पे है तो ए बी सी डी पे, ए बी सी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो ए बी सी पे काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है यार, ए बी सी कहाँ, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है। हम सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोलो, कंजर्व रहता है। क्यों कंजर्व रहता है, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होता है, हर पॉइंट पे एक ही फोर्स लगेगा जो सेंटर सन के फोकस से गुजरेगा, तो अगर यहाँ पे टॉर्क लोगे तो टॉर्क क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो टॉर्क जो है वो सिस्टम में जीरो रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो इन तीनों पॉइंट पर अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो वे एम बी आर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो है भी डायरेक्टली भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो, एम वन वी वन आर वन इज इक्वल टू एम टू वी टू आर टू, ठीक है, कितने भी पॉइंट पे लगाओ सब पे सेम आएगा एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट सबसे दूर है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा प्लेनेट की, क्योंकि मास तो सेम है, तो ये पॉइंट फोकस से सबसे दूर है तो इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सी डिस्टेंस अधिक है, तो वेलोसिटी गलत लिख रहा हूँ ना, डिस्टेंस सबसे अधिक है तो वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ सबसे पास है, ये वाला डिस्टेंस सबसे कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, मान लो, मान लिया मैं ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा।
ए पर काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा और सी पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, बाकी बीच में होंगे, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन सही है, द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए प्लैनेट पास आते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 times द स्मॉलर, अगर सन का मास 10 times स्मॉलर है एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज 10 times लार्जर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो जो सन का मास है वो तो रहने दो, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कर दिया गया, मान लिया गया, लेकिन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है 10 गुना बढ़ गया, ठीक है, 10 times बढ़ गया, तो इसमें से सही कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलो अगर दो पार्टिकल हैं, एक सन है एक अर्थ है, ठीक है, दो पार्टिकल हैं, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे हुए, तो जी एम वन एम टू ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है, जी एम वन एम टू ओवर आर का स्क्वायर, ये पूरा मैं कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, तो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल जी के, क्योंकि जी अब ज़्यादा हो गया ना भाई, जी ज़्यादा हो गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाएगी यार, ग्रेविटी तगड़ी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, कैपिटल जी की वैल्यू 10 गुना बढ़ा दोगे तो ग्रेविटी पहले से तो स्ट्रांग हो ही जाएगी यार, तो ग्रेविटी अगर पहले से स्ट्रांग हो गई तो रेन ड्रॉप फॉल फास्टर, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ग्रेविटी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी तो अर्थ पे रेन ड्रॉप क्या होगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। हम सभी लोगों का टारगेट है अर्थ के सेंटर पे जाना, ठीक है, अगर हमारा जिस चेयर पर बैठा हूँ चेयर टूट जाए, टेबल टूट जाए, फर्श फिसल जाए, तो हम सभी कहाँ जाएंगे, अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेट होंगे, तो अर्थ के सेंटर पर ये ड्रॉप बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होगा क्योंकि पहले ग्रेविटी बढ़ गई, तो ये तो सही है, नॉट करेक्ट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कुल बिकेम मोर डिवी, ऑब्वियसली भाई अगर ग्रेविटी बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाने की वजह से चलना क्या हो जाएगा, अर्थ हमको बहुत तगड़े स्ट्रांग से अट्रैक्ट करके रख लेगी ना, ठीक है। अब मान लो अर्थ इतना ग्रेविटी लगा दी कि अर्थ के साथ ये आदमी चिपक गया, अभी चल ही नहीं सकता यार, इतना स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ठीक है ना, तो अभी नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है, हम आराम से चलते हैं, ठीक है। इसके बजाय अगर ग्रेविटी कम हो गया, ठीक है, तो यार बहुत आसानी, चलने में बहुत आराम होगा, और ग्रेविटी ख़त्म ही हो गया तो हम स्पेस में आ जाएंगे, तैरने लगेंगे और भी चलना आसान हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है, मतलब हमें नॉट करेक्ट लिखना, मतलब ये सही है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2πL/g अंडर रूट होता है, बोलो, तो अगर ग्रेविटी बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी तो बढ़ गया, ठीक है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम अर्थ विल, ग्रेविटी बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट गया, ग्रेविटी बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट गया, मतलब ये भी सही है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, मतलब एक ही ऑप्शन बचा हम लोगों को, दैट इज द डी ऑप्शन, ठीक है। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, बिल्कुल गलत बात है, अगर इसको 10 times करोगे तो इनके बीच जो दो पार्टिकल उनके बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी तो जी बदल जाएगा, ठीक है। चलो कहता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 kilometer एबव सरफेस इज सेम एट डेप्थ डी बिलो द सरफेस, तो डी की वैल्यू निकालो। चलो अब एक साथ हमें ऊपर भी जाना है, एक साथ हमें अर्थ के नीचे भी जाना है, ये अर्थ है, यहाँ अर्थ के सेंटर से एक बार मुझे ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना भैया, 1 kilometer, यहाँ जी की वैल्यू क्या मिली, यहाँ जी की वैल्यू g1 मिल गई, फिर अर्थ के सेंटर से भी नीचे जाना, कितना नीचे जाना है, डी नीचे जाना, यहाँ भी जी की वैल्यू g1 है, तो ये कंडीशन ये कहता है कि जी की वैल्यू g1 एट ए हाइट पे और डेप्थ पे इक्वल है, यहाँ पर जी की वैल्यू और यहाँ पे जी की वैल्यू इक्वल है, तो डी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो अब ये एट हाइट इक्वल टू 1 kilometer, 1 kilometer कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 kilometer है, ठीक है, और इसके कंपेयर में जो 1 kilometer है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये वाला फार्मूला g इक्वल टू g1 - 2h/r वाला लगा दूंगा, ठीक है भाई, ऊपर जाने का दो फार्मूला है, एक छत के ऊपर चले गए, एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए सबसे ऊपर, तो ये जी इज इक्वल टू 1 - 2h/r इज इक्वल टू डेप्थ में जाओगे जी 1 - d/r, ये अब कितना ऊपर गए हो, 1 kilometer ऊपर गए हो जी ने जी को, तो 1 - 2/r इज इक्वल टू 1 - d/r, तो 1 ने 1 को, माइनस ने माइनस को, आर ने आर को, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 2 kilometer, ठीक है, मतलब 1 kilometer ऊपर चले जाओ और 2 kilometer नीचे चले जाओ,
तो तुम्हारा वेट बराबर होगा, जी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। जी की वैल्यू 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर पे जी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, डबल होता है। चलो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो सेंटर से चलना है, अर्थ को मैं शुरू में बताया हूँ, अर्थ को मैं होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, चलो अगर अर्थ है उसका सेंटर ओ है, ठीक है, और इसके सेंटर से मुझे जाना है, कहाँ जाना भैया, इन्फिनिटी को जाना है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर वेरिएशन ऑफ जी, इसमें से जी कैसे वेरी होगा, आपको पता होगा कि अगर एक ग्राफ ड्रा किए होगे, ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से डी डेप्थ नीचे आते हो यहाँ पे, तो जी की वैल्यू क्या होती है, बोलो, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी ओवर आर। इसको मैं लिख सकता हूँ जी आर माइनस डी ओवर आर। आर माइनस डी क्या है यार, अगर ये डेप्थ डी है, अगर ये डेप्थ डी है तो ये वाली डिस्टेंस आर माइनस डी है, आर माइनस डी है, क्योंकि ये पूरा आर है, ठीक है। तो आर माइनस डी है और जी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी, और आर माइनस डी को कुछ डिस्टेंस में एक्स ले लूँ तो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब अगर मैं सेंटर से जाऊंगा, अब देखो अगर मैं यहाँ से सेंटर से आगे जाता हूँ, इधर से सेंटर से, ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड में मैं काम कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, इधर से जाओगे तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे अंदर तो घटेगी, ठीक है। अब जब सरफेस पे आ जाओगे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और बाहर में जी की वैल्यू हमको रट ली है हम लोग, बाहर में जी की वैल्यू जी डैश इज इक्वल टू जी आर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब एक पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी इक्वल टू जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, एक पैराबोलिक कर्व आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थ के सेंटर पे देखो ग्राफ क्या सेंटर से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली जब डी की वैल्यू आर के इक्वल है तो जी डैश जीरो है, जी डैश जीरो है सेंटर पर, जी डैश जीरो है क्योंकि डी आर के इक्वल है तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब ग्राफ तो जीरो से स्टार्ट होगा। इसके सही होने के सपने में भी ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो पर जी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये देखो एक ये यहाँ अभी मैं निकाला, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कर्व है जो कि सही नहीं हो सकता, ठीक है, ये सही होने के चांस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ जाके फिर ये घटा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन घटा जो कि गलत है, यहाँ स्क्वायर टर्म है, नीचे स्क्वायर टर्म है, तो ये पैरा यहाँ सरफेस पे ये पॉइंट जो है वो सरफेस है, तो बी ऑप्शन सही है। ये ग्राफ ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में ड्रा किया गया है, मैं जो पढ़ाता हूँ तो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। द सेटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट एच फ्रॉम द सेंटर, द टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन टर्म ऑफ जी नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। अब देखो ये एक सेटेलाइट है और उस सेटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ रेडियस आर एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये सेटेलाइट है अर्थ है और अर्थ के एच हाइट पे यहाँ पर कोई सेटेलाइट है, ठीक है, दिस इज द हाइट, ठीक है, ए सेटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अब ये जो सेटेलाइट है मास एम है सेटेलाइट का और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, ये जो हाइट है वो एच ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है और ये हाइट हम सबको पता है ये रेडियस होता है, ठीक है। चलो तो कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन टर्म ऑफ जी नॉट, जी नॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। जी नॉट जो है वो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे, तो इसके टर्म में मुझे टोटल एनर्जी निकालना है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, सेटेलाइट की टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, ये कभी नहीं सही हो सकता, इसके सही होने के कोई भी कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। अब देखो अब एक बच्चा है कि इस क्वेश्चन को करेगा, ठीक है, एक बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा और एक बच्चे को फार्मूला ही याद है
कि सेटेलाइट का जो एनर्जी होती है, सेटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच है, आर प्लस एच है। ये वो बच्चा है जिसको पूरा का पूरा फार्मूला याद है, जो रट के गया फार्मूला। तो ये इज इक्वल टू जी एम होता है, जी एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, जी एम इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर। तो यह जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर एम और आर प्लस एच, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर देगा, माइनस जी एम आर नॉट स्क्वायर टू, ये मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। ओ सॉरी, यहाँ टू भी होता ना प्यारे बच्चों, तो ये टू। तो ये एक बच्चा वो है जो ये फार्मूला याद करके गया, और एक बच्चा जिसको फार्मूला याद नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोटल एनर्जी लिखेगा। कैसे लिखेगा, इसका काइनेटिक लिखेगा, इसका पोटेंशियल लिखेगा, ठीक है, कर लोगे। इसका टोटल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच, दिस इज द, ये वो बच्चा है जिसको फार्मूला याद करके नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर भी क्या है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी सेटेलाइट की क्या होती है, तो जी एम ओवर आर होती है अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जी एम ओवर आर क्या बनेगा, तो हाफ एम और जी एम और ये आर प्लस एच बनेगा, और माइनस जी एम एम और ये आ जाएगा आर प्लस एच। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस जी एम 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 ओवर टू आर प्लस एच, ठीक है। इसने क्या किया, टोटल एनर्जी निकाल लिया। अब इसको जी देखो, यही आ गया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब ये जब इस फॉर्म में आ गया, तो अब मुझे इसको लिखना है, तो माइनस जी नॉट जी नॉट जी नॉट आर स्क्वायर एम और आ जाएगा टू आर प्लस एच इसके टर्म में, दैट इज द ई ऑप्शन सही है। तो ये बच्चा है जो कॉन्सेप्ट इस आता है, ये वो बच्चा जो याद करके गया है, और ये ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है, टेंडर रेडियस ऑफ अर्थ, क्या कह रहा है भाई, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर कितने ऊपर मैं चला जाऊं, ठीक है, अर्थ के ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर चले जाओगे तो पोटेंशियल और जी की वैल्यू आपको दे दिया और रेडियस भी दे दिया, तो वो हाइट निकालो, ठीक है, वो हाइट निकालो जहाँ पोटेंशियल इतना है, जी की वैल्यू इतना है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस से मैं ऊपर चला गया एच हाइट पे, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जी एम ओवर आर होता है, इट इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एम और यह आ जाएगा आर प्लस एच, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो प्यारे बच्चों वी की वैल्यू दिया हुआ है, अब इसमें जी की वैल्यू भी हमें डालना है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे जी की वैल्यू। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी, जी इक्वल टू क्या आता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर अर्थ के ऊपर, तो जी एम और आर प्लस एच का स्क्वायर आ गया, आर प्लस एच का स्क्वायर आ गया। तो आर प्लस एच का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों को मैं रिलेट कर दूं, तो इन दोनों को अगर मैं रिलेट कर दूं तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर प्लस एच, और जी एम की वैल्यू जी और आर प्लस एच का चला गया स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जी और आर प्लस एच, दैट इज द पोटेंशियल भी। हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइट चाहिए भाई, तो हमें हाइट चाहिए, तो माइनस जी आर और माइनस जी एच, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच की वैल्यू आ जाएगी, जो जी एच माइनस जी आर और माइनस बी, ठीक है, मतलब एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस बी बाई जी और माइनस आर, है ना, दिस इज द एच। ये वो हाइट है जो हमें चाहिए। अब ये वैल्यू रख लेना तुम, ठीक है, रख लोगे, कहीं कोई गलती नहीं है ना भाई, हाँ। तो ये वैल्यू रख लेना, पोटेंशियल जी आर की वैल्यू रख लेना, देख लेना कितना है, सॉल्व कर लेना, ठीक है, कितना आएगा ये,
सॉल्व कर लेना, ये 2600 किलोमीटर आएगा, ठीक है, ये 26, ठीक है, ये 2600 किलोमीटर, ठीक है, सॉल्व कर लेना, सभी वैल्यू डाल देना इसमें, बी डाल देना, जी डाल देना, आर डाल देना, बी डाल देना, जी डाल देना, आर देना, सॉल्व कर लेना। चलो ये कहता है द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी टू अर्थ एट ए प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइस ऑफ द अर्थ। चलो हमें अर्थ लेना है और अर्थ के पैरेलल एक दूसरा कोई प्लेनेट लेना है, उन दोनों पे एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, याद है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gm over r अंडर रूट, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। अब जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी और रेडियस के टर्म में लिखा है, तो डेंसिटी और रेडियस में निकाल ले, मैंने मास को ब्रेक कर दूंगा, मास को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2G m मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और डेंसिटी रो अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r ने r को ख़त्म कर दिया, r 4/3 पाई आर क्यू, तो r बाहर आ गया और 8 capital G अपॉन 3 डेंसिटी रो अंडर रूट। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, क्योंकि हमें डेंसिटी और रेडियस के टर्म में ही चाहिए था, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रो अंडर रूट, रेडियस रो अंडर रूट, मतलब अर्थ पे और उस प्लेनेट पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट अंडर रूट, ये फार्मूला बनेगा कंपेरिजन में। अब वैल्यू रखो, जैसा कह रहा है, क्या कह रहा है, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइस ऑफ अर्थ, जो प्लेनेट है उसका रेडियस और मीन डेंसिटी ट्वाइस है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और 2 times रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ अर्थ और 2 times डेंसिटी ऑफ ये, तो ये एक खत्म हो गया, ठीक है, मतलब 1/2√2 ये रेशियो आ जाएगा इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी का, 1:2, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का प्यारे बच्चों सही है, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है रिमोट सेंसरिंग सेटेलाइट ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इतना अबव द सरफेस ऑफ इट, रेडियस इतना देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना सेटेलाइट का, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये अगर अर्थ है तो कहता है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट 0.25 above the अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो h है और उसकी वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, 0.25 into ये, दैट इज द h, और रेडियस ऑफ द अर्थ इतना लेना है, g की वैल्यू इतना लेना है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद है, याद कर लो फार्मूला, gm over r plus h under root, ठीक है, जी एम ओवर आर प्लस अंडर, अब जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच अंडर रूट, ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये सारी वैल्यू रख दो, ठीक है, जी की वैल्यू रख दो 9.8, ठीक है, 9.8, रेडियस रख दो 6.38 × 10^6, ठीक है, इसका स्क्वायर, बाप रे बाप, ठीक है, रेडियस 6.38 × 10^6 प्लस हाइट 0.25, ठीक है, और × 10^6 और ये सब आ गया अंडर रूट, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये जो डिफिकल्ट काम है वो तुम करोगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन जो है वो तुम करना, ये कुछ आ जाता है 7, ठीक है, 7.76 ये आ जाएगा, ठीक है, जी इक्वल टू जी एम, ये सी ऑप्शन सही है। अब ये तुम्हारा काम है, ठीक है, चलो
कहता है ए सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक सेटेलाइट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, समझना इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मास ऑफ द सेटेलाइट इज वेरी स्मॉल इज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें से सही बात कौन सी है, कम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ये हम लोग का एक इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पर सेट, यहाँ पर सन है और ये सेटेलाइट इसमें ऐसे चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम यस रिमेंस कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात है यार, हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट कैसे रहेगा। एक्सलेशन एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अब देखो अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डायरेक्टेड होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ अर्थ के डायरेक्टेड होगा, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा तो एक्सलेशन भी तो अर्थ की तरफ ही डायरेक्टेड होगा, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन हमारा सही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट इन मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट द अर्थ में चेंजेज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कॉन्स्टेंट होता है, इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट और डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बिकॉज रोटेशन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, अगर बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो डायरेक्शन बाहर आ गया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि नेटवर्क जीरो होता है, तो ये भी गलत है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द एयर वेरी पीरियडिकली, ये तो बहुत ही गलत है, ठीक है, एक होता गलत एक होता बहुत गलत, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट नहीं करती, वेरी नहीं करती है। चलो एक कहता है ए थर्ड लॉ स्टेट दैट द केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट पीरियडिक रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, अच्छा केपलर्स लॉ दे दिया, ठीक है, इफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब कुछ तो दे ही दिया यार, अच्छा द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल के, अब आप केपलर्स लॉ किए हो गए, डेरिवेशन किए हो गए, तो एक बच्चा है जिसको केपलर्स कॉन्स्टेंट याद है, बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर क्यू होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के अपन आर स्क्वायर, और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फोर पाई स्क्वायर जीएम होती है, केपलर्स वाला कॉन्स्टेंट, ये केपलर्स के जो इक्वेशन होते हैं उसमें इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने पे एक कॉन्स्टेंट आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो डायरेक्ट उसको यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक बच्चा जो इसको याद करके गया है, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको याद है कि के की वैल्यू इतना होती है, तो डायरेक्ट टिक कर देगा, बोलेगा कि फोर्थ ऑप्शन सही है, उसका टाइम बच गया। अब एक बच्चा जिसको याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा, वो डिराइव करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो ये मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको याद करना सिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो अच्छी फैकल्टी से पढ़े हो उनके नोट्स पढ़ो यार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो अब इसको मैं डिराइव करता हूँ, देखो अब मैं तुमको बहुत आसान तरीके से डिराइव करना बताता हूँ। अब अगर ये सेटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दैट इज ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर स्क्वायर, ये होता है, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। अगर मास ऑफ द अर्थ एम है और इस सेटेलाइट का मास एम है और ये रेडियस आर है, तो इसके लिए ये इक्वेशन होल्ड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा यार, ग्रेविटी से ही तो मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एम, अब हमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रटे हो ना, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πt होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो ये 4π स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपन आर की स्क्वायर, ठीक है। तो एम ने एम को, बाकी कोई किसी को नहीं काटा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4π स्क्वायर ऊपर कैपिटल जी एम और आर की पावर क्यू, ठीक है। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। जब हम केपलर्स का लॉ, देखो केपलर्स का लॉ प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते तो वही आ जाता है, ठीक है।
चलो तो ये कांस्टेंट फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ये करो, कहता है टू स्फीयर है ईच ऑफ मास एम और कैपिटल एम एंड रेडियस टू आर रिलीज इन स्पेस, स्पेस से रिलीज है सेंटर ऑफ 12 आर है, दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी। अब देखो क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर हम लोग के पास दो स्फीयर है, एक छोटू है और एक बड़ा है, दोनों के सेंट्रल डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंस दैट इज 12 आर, दिस इज द सेंट्रल डिस्टेंस। अब अगर इनको स्पेस में ले जाके छोड़ दोगे, ये जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस 2 आर है और इसके पास मास 5 एम है, ज़्यादा है, छोटा वाला का रेडियस आर है और इसका मास भी स्मॉल एम है, इनको स्पेस में ले जाके छोड़ दोगे तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट होके कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन कर जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। तो मान लो यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन, इन दोनों का सरफेस मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा होगा, कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस मिल रहा होगा, तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्मॉलर, ये जो छोटू वाला है ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये हमें निकालना। तो मान लो जो छोटा है, ये जो छोटा है वो डिस्टेंस x1 चला, ये डिस्टेंस, तो बड़ा वाला ये डिस्टेंस यहाँ से आगे ये मान लिया मैंने x2 चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 2r है और ये r है और ये पूरा 12r है, तो 12r में से 3r निकाल दो तो x1 प्लस x2 का सम 9r हो गया, x1 प्लस x2 का जो सम आ जाएगा वो 9r हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा टारगेट है x1 निकालना, तो x1 कैसे निकाला जाए, अब x1 निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, अगर ये आगे आ रहा है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट x1 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन a1 टाइम t का स्क्वायर, टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा मेरे भाई, ये यहाँ से चला यहाँ से रहा, दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा गया होगा, सेम कुछ टी टाइम बाद दोनों का कोलिजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सिमिलरली इसके लिए s इज इक्वल टू ut लगाओगे तो यह जाएगा x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए लिखोगे x2 इज इक्वल टू u a2 टी स्क्वायर बाई हाफ, इस वाले के लिए s इज इक्वल टू ut, तो ये हम लोगों को रेशियो मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, तो फोर्स दोनों पे कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब a1 अपॉन a2, और a1 किसको माने थे भाई, a1 हमने इसको माना था, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 1 अपॉन m आ गया, ठीक है। तो x2 ये आ जाएगा पूरा, और x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू 9r माइनस x1, x2 इज इक्वल टू यहाँ से x2 निकाल के रख दो और यहाँ से एक्सेलरेशन की रेशियो निकाल दो, क्योंकि ग्रेविटेशन और फोर्स दोनों पे सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि x2 की वैल्यू 9r माइनस x1 और ये आ जाएगा x1, यह आ जाएगा 1 अपॉन अरे भाई 5, ठीक है, तो ये 45r माइनस 5 x1 इज इक्वल टू x1, मतलब x6, x1 की वैल्यू 45r बाई 6, तो x1 इज इक्वल टू 742 और 30, 5, 42 और 3, 37.5, तो आ जाएगा 7.5, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। ये चलो समझ में आ गया ना, आसान था, वैसे और भी तरीके से इसको कर सकते थे पर मैं सबसे आसान तरीके वाले से बताया। एक कहता है कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल एक मैसिव बॉडी, ठीक है, मैसिव बॉडी जब जो स्टार होता है अल्टीमेट लास्ट स्टेज, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है और जो स्टार का जो लास्ट स्टेज है ब्लैक होल, ठीक है, जिसमें
बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ठीक है, अब इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहता, बाद में कभी इसको बताऊंगा। ठीक है, ब्लैक होल ऑब्जेक्ट हुज मास ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट लाइट कैन नॉट एस्केप, व्हाट अप्रोक्सीमेटली द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी कंप्रेस्ड टू बी ब्लैक होल। अब मान लो अर्थ की रेडियस एक्चुअल में 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है अभी के टाइम में। अब मैं अर्थ की रेडियस कितना मतलब अर्थ की रेडियस, जब अर्थ मान लो ब्लैक होल हो गया तो अर्थ की रेडियस कितनी होगी, या अर्थ को मैं ब्लैक होल बना दूं तो रेडियस कितना होगा, बात बराबर है। तो देखो, लाइट कैन नॉट एस्केप, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ अगर ब्लैक होल है तो अर्थ के सरफेस पे किसी भी चीज़ को एस्केप करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है जी एम ओवर आर अंडर रूट। ठीक है, तो जी एम ओवर आर होता है ना, 2gm/r, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस, देखो अगर रेडियस कम करोगे तो इसके वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसके वेलोसिटी कितना बढ़ सकती है उसकी एक लिमिट है। रेडियस कैन नॉट बी जीरो, रेडियस जीरो कर दोगे तो इसके वेलोसिटी इन्फिनिटी चली जाएगी। इन्फिनिटी वेलोसिटी थ्योरेटिकली अभी तक तो मैक्सिमम जो है लाइट की स्पीड तक हम कंसीडर करते हैं मटेरियलिस्टिक बॉडी में। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो बढ़ सकती है लाइट के स्पीड तक। ठीक है, तभी तो लाइट एस्केप नहीं करेगा इससे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2gm/r रेडियस ऑफ द अर्थ, और इस समय जो रेडियस है वो r डैश हो गया। इस समय जो r डैश है, r डैश वो आ जाएगा, वो रेडियस जो है c का स्क्वायर ओवर लाइट ऑफ स्पीड 2gm। अब सारी वैल्यू डाल दो, लाइट की स्पीड डाल दो 3×10^8 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और 2 ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67×10^11। ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ इधर दिया हुआ है 5.9898×10^24 kg। अभी जो बड़ा सा काम है, हार्ड वर्क है, वो तुम करोगे। तो ये पूरा जो कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10^-2 आता है रेडियस, अप्रोक्सीमेटली 10^-2 मीटर, दैट इज 1 cm। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर अर्थ की रेडियस जो 6400 किलोमीटर थी मैं 1 cm के बराबर कर दूँ, एक छोटे से शीशे कंचे, जैसे कंचे होता है ना, गांव में खेलते हैं बच्चे, एक छोटे से बॉल के बराबर कर दूँ जिसकी रेडियस 1 cm, तो अर्थ ब्लैक होल हो जाएगी। और ये सब थ्योरेटिकल बात है अभी के लिए, पर ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा हो तो। ठीक है, चलो, डिपेंडेंसी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ किसके प्रोपोर्शनल है। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस में वेरी करता है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि मेरे लिए क्वेश्चन बहुत लकी था। लकी क्या, लकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली जब मैं कोचिंग में पढ़ाया था तो सभी के मॉड्यूल में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, और मैं हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ग्राफ बनाता हूँ। मेरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देखना, मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि सभी बुक में, मॉड्यूल में, सभी इन कोचिंगों के मॉड्यूल में ये वाला था, और बच्चे यही करके सही आए थे। ठीक है, तो उन सभी बच्चों का जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था। जिसको मैं पढ़ाया था, जो मेरे से पढ़े थे, जिस बैच में मैं पढ़ाया था, बस वही सही करके आए थे फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इट वॉज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, कि अभी तुम बुक खोलना, देखना, यही ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अब ये दोनों एक साथ आ गए ना, इसलिए वेक्टर का ध्यान रखना। चलो, अब इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। अर्थ क्या है? एक होमोजीनियस स्पीयर है। और होमोजीनियस स्पीयर का एक्स डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड उस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है gmx/R2। याद है ना, दिस इज द, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, ओ सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अंदर में सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा जो कि जी एम ओवर आर, भाई ये क्यू आता है, ठीक है, आर क्यू। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा जो कि जी एम ओवर आर स्क्वायर होगा, क्योंकि x की वैल्यू r के इक्वल है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन अभी भी इधर ही होगी, ठीक है। मतलब इससे तुम मतलब ये हुआ, ठीक है, और बाहर में जो बाहर में जी की वैल्यू है, बाहर में जी की वैल्यू जो फील्ड होती है, हम सबको पता है कि बाहर में फील्ड इज इक्वल टू जी एम ओवर एक्स का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ओवर एक्स का स्क्वायर, बाहर में सरफेस पे जी एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर में ये होती है, और इन सभी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। आई एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर से चलूँ, अगर मैं सेंटर से चलूँ, सेंटर से जाता हूँ कहाँ जाऊँ भैया, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो मैं ग्राफ अगर वेक्टर में बनाता हूँ तो ग्राफ किस कोऑर्डिनेट बनाएगा, ए एक्स है और ये इधर ग्रेविटेशनल फील्ड आई है और इधर माइनस आई है, ठीक है। अब ग्राफ अगर मैं सेंटर से चलता हूँ, समझना, अगर मैं सेंटर से जाता हूँ तो मैं इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया और इसके जो अपोजिट है, इसके अपोजिट वेक्टर वो मैं निगेटिव लूंगा, माइनस आई, समझ रहे ना भाई। इस डायरेक्शन में आप प्लस ले लिए तो इधर उसके उल्टा तो माइनस लोगे ना, ठीक है। तो प्लस और माइनस मतलब ग्राफ जो है वो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। किसमें दे, प्लस और माइनस, हाँ ये फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में ग्राफ दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चलो यहां से चलो, तो यहां से जाओगे तो वेक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर सरफेस पे मैक्सिमम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कर्व ये अप टू इन्फिनिटी पे जाके एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और जी आई अप्रोच टू जीरो। तो दिस इज द ग्राफ इन वेक्टर फॉर्म, और यही ग्राफ जो बुक है, उन सभी जो जितने भी बुक है मॉड्यूल है उन सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड में ड्रा किया हुआ है और ये ऐसे है, ठीक है। ये दोनों सही है अपने प्लेस पे, ये दोनों सही है अपने प्लेस पे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी है, डायरेक्शन भी बता रहा, मैग्नीट्यूड भी बता रहा, तो ये ज़्यादा सही है, कम सही है, ठीक है। अब जब दोनों आ गए तो ये सही है, ठीक है, है ना, इंटरेस्टिंग बात। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, चलो। इनफाइनाइट नंबर इच ऑफ मास 2 kg सिचुएटेड एट द वर्टेक्स, अलग अलग पॉइंट पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट मासेस है और हम उसको अलग अलग प्लेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता है इनफाइनाइट मासेस, चलो ओरिजिन बना लो ये, इनफाइनाइट मासेस टू सिचुएटेड 2m एट 1 meter, यहाँ पर 2 kg का है 1 meter, फिर 2 kg का रखा और ये रहा 2 meter, फिर 2 kg का रखा और ये रहा 4 meter, तो इस तरह से इनफाइनाइट रखा हुआ है, दैट इज 2 kg 2 kg, क्लियर है प्यारे बच्चों ये। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है ओरिजिन पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या फार्मूला याद है ना, पोटेंशियल बी इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, दिस इज द पोटेंशियल डी टू पॉइंट मास, पॉइंट मास का पोटेंशियल यही होता है। अगर पॉइंट मास का पोटेंशियल यही होता है तो अब इस लॉजिक से पोटेंशियल एक स्केलर है, इसका मतलब सबका मैं जोड़ दूं, नेट पोटेंशियल बनेगा इसका, बनेगा माइनस जी एम ओवर वन, इसका बनेगा माइनस जी एम, इसका प्लस माइनस जी एम ओवर टू, इसका बनेगा प्लस माइनस जी एम ओवर फोर, ठीक है। तो इस टाइप से 4, ठीक है, 8, 16 इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जी एम में कॉमन ले लिया तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। अब इसका सम कैसे निकालोगे, तो जी के टर्म में ही निकालना, मास कितना था 2 kg था, मास 2 kg था, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2g। अब इसका सम निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ मैथमेटिक्स ज़रूर आना चाहिए यार, ठीक है, कुछ न कुछ मैथमेटिक्स ज़रूर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म होता है वो जी पी बोलते हैं, इनफाइनाइट जी पी,
इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी में अगर पहले वाले से दूसरे वाले से डिवाइड करते हो तो कॉमन रेशियो 1/2 मिल रहा है जो कि एक से कम है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम ए इक्वल टू 1 - r होता है और r इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो फिनिट होता है, इसका सम फिनिट होगा क्योंकि घटता जा रहा है ना यार, देख रहे हो घटता जा रहा है 1/2 कहीं जाके बहुत कम हो गया होगा तो ठीक है, अगर बढ़ता चला जाता तो इनफाइनाइट आता यार, घटता जा रहा है तो कम होते होते कुछ फिनिट वैल्यू देगा ठीक है। तो ये ए क्या है फर्स्ट टर्म 1 है, आर क्या है कॉमन रेशियो, कैसे निकालता कॉमन रेशियो, पहले वाले में से दूसरे वाले में डिवाइड करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे आर इक्वल टू 1/2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि यह -4g पोटेंशियल इसका सही है ठीक है, -4g चलो ये आ जाएगा -4gb। हाँ ये भी तो वही है, कॉपी हो गया क्या, हाँ चलो। ए बॉडी मास एम टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर तक मैं लेके जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला याद है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh और 1 + h / r ठीक है। जब मैं अर्थ के h हाइट तक ऊपर से किसी बॉडी को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पर कितना चेंज इतना होता है, अगर बहुत पास हो तो h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है h है वो 2 times है, 2 times है मतलब यह आ जाएगा फ्रॉम द अर्थ ट्वाइस, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू रख दोगे तो 2r, एक बार कर दूँ mgr इज इक्वल टू 2r दैट इज 1 + 2r और अपन r, मतलब ये आ जाएगा 2mgr/3 दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इक्वल टू 2r 2mgr/3। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है तो ग्राउंड पे निकालो और फिर हाइट 2h पे निकालो, माइनस करो, फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली u कंसीडर कर लो, h हाइट पर फाइनल कंसीडर कर लो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से इनिशियल को घटा दो ठीक है, फाइनल में से इनिशियल, फाइनल इज इक्वल टू gmm और ओवर r प्लस h और इनिशियल माइनस gmm और ये आ जाएगा r, इन दोनों इन सबको सॉल्व कर लोगे इतना ही आएगा ठीक है। ऐसा किए थे हम लोग, कहता है एट व्हाट हाइट द वेट ऑफ द बॉडी बिकेम 1/16 ऑफ इट वेट ऑन दिस अर्थ सरफेस। अब आपको ऊपर जाना है ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना, अब अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाएं हम लोग जिससे वेट जो है 1/16 हो जाए यार। चलो अर्थ के सरफेस से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से मान लो यह हाइट में ऊपर चला गया और यहाँ पर जो वेट था डब्लू था, यहाँ पर वेट w' हो गया जो कि w' 1/16 है ग्राउंड का, 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ सरफेस ठीक है। चलो अब इन दोनों को कम वेट ऑन द अर्थ और w' का इक्वल है ठीक है ये, तो इसका मतलब है एक मिनट तो जो w' है उसकी हमें वेट ऑन द अर्थ एट व्हाट हाइट पूछा ना, तो w' इज इक्वल टू 1/16 W के इक्वल आ जाएगा ठीक है। तो w' की वैल्यू बोलो, वेट इज इक्वल टू mg' इज इक्वल टू 1/16 और ये आ जाएगा mg ऑन द अर्थ, तो m ने m को, अब हमको पता नहीं है कि वो हाइट छोटा है कि बड़ा है तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअल वाला फार्मूला लगाऊंगा, g' इज इक्वल टू g r + h का, थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, r + h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 और ये g, तो g ने g को ठीक है और ये हाइट निकाल लो तो 1/16, इसका मतलब r और r + h इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि 4r इज इक्वल टू r + h, तो h इज इक्वल टू 3r, मतलब 3r पे चले जाओगे
तो वेट कुछ इतना रह जाएगा, 1/16 रह जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा 1/16 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट ये करो, कहता है एक स्पेरिकल प्लेनेट है जिसका मास m है, डायमीटर d है, प्लेनेट है जिसका मास m है, डायमीटर d है, और एक पार्टिकल फॉल करता नियर द अर्थ सरफेस, तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली ग्रेविटेशन से आसान क्वेश्चन ही आता है प्यारे बच्चों, ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। तो कहता है एक स्फेरिकल प्लैनेट है, ये स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास एम पी है और रेडियस आर पी है, प्लैनेट रेडियस नहीं है, डायमीटर है, रेडियस जो है वो एक्चुअली डायमीटर है, तो ये डायमीटर डी बाई टू आ जाएगा, डायमीटर आर पी है, ठीक है। तो मास यहाँ से फॉल कर रहा है, एक मास गिराया जा रहा है, समझना इसको बड़े ध्यान से समझना, मास अगर गिराया जा रहा है तो वो जो मास है प्यारे बच्चों वो फॉल कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा होगा तभी तो फॉल कर रहा होगा। तो ये स्मॉल एम है और इसका मास एम पी है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कैपिटल जी मास छोटू मास और एम पी, ठीक है, और कैपिटल इनके बीच ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दैट हाइट इज नेग्लिजिबल, ऐसा बताया गया, नियर टू अर्थ सरफेस है तो दैट हाइट इज नेग्लिजिबल एंड दैट हाइट इज डी पी बाई टू, तो ये आ जाएगा डायमीटर डी पी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4g कैपिटल एम पी स्मॉल एम और डायमीटर डी पी का स्क्वायर, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हमें निकालना कि ये ग्रेविटी कितनी फोर्स फील कर रहा है, ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू निकालनी है तो इस फोर्स को मैं mg से इक्वेट कर दूं, इस फोर्स को मैं mg से इक्वेट कर दूं, तो m ने m को मतलब g की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 कैपिटल जी एम मास एम पी डायमीटर डी पी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि 4g एम पी और डायमीटर डी पी का स्क्वायर, ठीक है। और इसे भी यार ग्रेविटी जो होती है गिरने वाले बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये इन दोनों में से एक ही सही होगा जो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। चलो कहता है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट 5 आर एबव द अर्थ सरफेस, ध्यान देना ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सेटेलाइट होता है जिस जो अर्थ का अर्थ के टाइम पीरियड के रिवोल्यूशन के इक्वल होता है, मतलब उसका ओमेगा जीरो होता है, अगर अर्थ से देखोगे तो स्टेशनरी दिखाई देगा, अर्थ से देखोगे ऑब्जर्वर देखेगा तो स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे सेटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलते हैं। अब ये कहता कि एक हम लोग का जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जिसका सेंटर वो है, अब ये जियो ऑर्बिट अराउंड हाइट 5 आर एबव द अर्थ सरफेस, ये 5 आर पे है अर्थ के सरफेस पे, और ये अर्थ की सरफेस रेडियस आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ एनदर सेटेलाइट जो कि रेडियस 2 आर पे है, इसके पास में दूसरा सेटेलाइट है जो 2 आर पर है हाइट पे, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो चलो, तो टाइम पीरियड का अपना फार्मूला हम रटा रटा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आर का क्यू, याद है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इक्वल टू सम कांस्टेंट आर की पावर 3/2, ठीक है। तो अब मैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए लगाऊं, तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को मैं दूसरे वाले मैं पहला सेटेलाइट में जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लेता हूं TM, और ये दूसरा सेटेलाइट है T2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2, इसका R2 मतलब इसका R की वैल्यू आ जाएगी 2R + R 3R, ठीक है, और ये आ जाएगा 5R 6R, ठीक है, का 3/2, ठीक है। तो यार ने आर को कर लिया मतलब 1/2 की पावर 3/2, हमें दूसरे वाले सेटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना, पहला जियो स्टेशनरी था तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर होता है, 24 आवर होता है अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल 24 आवर, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हमें टाइम आ जाएगा, टाइम निकालने T2, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हो,
और ये 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 6, और रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो रूट 2 12, ये 12 आ जाएगा ना, 12 और 2 मतलब 6 root 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 root 2, तो 6 root 2 मतलब ये हम लोग का सी ऑप्शन सही है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये देखो इस वाले सेशन में, ए प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोजर टू द सन एट डिस्टेंस आर वन, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर वन है और फॉरदेस्ट डिस्टेंस आर टू है, तो बी वन बी टू लीनियर वेलोसिटी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर वन है। चलो अगर एक प्लेनेट है, प्लेनेट रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, चलो एक प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और उस सबसे पास का डिस्टेंस जो है वो आर वन है और सबसे दूर का डिस्टेंस ये आर टू है। तो यहाँ पे स्पीड मान लो इधर वी वन है और यहाँ पर स्पीड वी टू है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लीनियर स्पीड का रेशियो निकालना है। अब सबको पता होगा कि नेट टॉर्क जीरो होता है क्योंकि सेंटर से पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर से पास होगा यस सन से, तो यहाँ पे टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क जीरो चला गया। अगर टॉर्क जीरो चला गया, टाउ जीरो होते, एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होती है, मतलब यह आ जाएगा एम बी वन आर वन इज इक्वल टू एम बी टू आर टू, इसका मतलब एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वन अपान बी टू, बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू आर टू अपान आर वन, बी वन अपान बी टू, बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू आर टू अपान आर वन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जस्ट फोकस ऑन द गोल, गोल पर फोकस करो, भूल जाओ सारी दुनिया को यार। थैंक यू।